मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग आरएस अग्रवाल नवीन अंक गणित बुक के कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को डील कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने उसके सारे बेसिक कंसेप्ट को बता दिया था। उसके बाद हमने ए टू जेड रणनीति आपको समझा दिया था कि हमने इसे कितने टाइप में डिवाइड किया है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, बेसिक अप्रोच क्या होंगे, कौन कौन से मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध यही है कि वो क्या करे कि उस वीडियो को पहले देख ले, फिर इसको देखे। इससे ये फायदा उनको होगा कि हम जो भी आज कुछ पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल उन्हें समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा क्योंकि सेकंडों में क्वेश्चन अब सल्व होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 6750 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। गौर करेंगे, प्रिंसिपल मेरा क्या है? तो प्रिंसिपल मेरा है 6750। रेट मेरा क्या है? तो 6.2/3% और टाइम मेरा क्या है भाई? तो 3 वर्ष से 3 ईयर। तो हमने सीधा आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप बोलिए 3 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होता है। तो 3:3:1 होता है। क्या होता है? 3:3:1। अब बताइए 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो तोड़ दीजिए। देखिए 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 20, तो 20/300 यहां लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं यहां पर कि 20/300, 300 कैसे भाई? तो 3 पहले से था और परसेंटेज का 100, तो यहां से आप कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा आपको? 15 बार में। तो ये 1/ क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 1/ क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब क्या करना है? तो इस प्रिंसिपल का 1/15 आप निकाल दीजिए। तो 15 करिएगा तो 15 × 4 = 60, 15 × 25 = 75, 0 = 450। फिर इसका 1/15, तो 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45 और 1 0 30 बार में। फिर 30 का 1/15, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 + 3 = 15 × 5 = 1 + 3 = 12, एक क्या हो गया? 13, और 3 × 9 तो ये हो गया 90, और ये आपका हो गया 2। तो ये 2 × 9 = 14 × 4 = 1 + 3 = 1 = 14, 142 जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर होगा, अर्थात 1442 जो होगा वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। बेसिक तरीके से बुक में क्वेश्चन सॉल्व किए हुए उसे आप देखें, लेकिन आप हमेशा इसी तरह से क्वेश्चंस बनाएंगे, हमारा वादा है कि सेकेंडों में क्वेश्चन डील होगा। क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से प्रिंसिपल कितना है भाई? तो प्रिंसिपल मेरा है 16,000 रुपया। रेट मेरा क्या है? तो 10% है। कह रहा है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ये क्या हो रहा है? अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। और टाइम मेरा क्या है भाई? तो 1 वर्ष। थोड़ा सा गौर करिएगा, ये अर्धवार्षिक और तिमाही का कंसेप्ट आप यहीं पर समझ ले ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए अगर अर्धवार्षिक बोलता है, अर्धवार्षिक बोलता है, या इसको छमाही बोलता है, या इंग्लिश में इसको बोलेगा हाफ ईयरली, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अर्धवार्षिक वर्ष का आधा, अर्थात तो वर्ष में अब कितना बार ब्याज काउंट होगा? 2 बार। तो समय जो आपका है, जो समय है ये आपका डबल हो जाता है, अर्थात 2t हो जाता है। समय जो है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, समय 2 बार काउंट होगा, लेकिन दर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आधा हो जाएगा, ये आर वाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही अगर तिमाही कहे या त्रैमासिक कहे या फिर क्वार्टरली कहे, तो उस केस में क्या होगा कि अब ब्याज 3-3 महीने पर काउंट होगा, 12 महीना साल में होता है, 3-3 महीने पर यदि आप ब्याज काउंट करेंगे तो उस समय में 3 × 4 = 12, अर्थात समय क्या हो जाएगा आपका? तो समय आपका 4 गुना हो जाएगा, अर्थात टी बराबर क्या होगा? तो 4t, समय 4 गुना हो जाएगा। और दर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? आर बाई 4 हो जाएगा। बस
अर्धवार्षिक और तिमाही में इतनी ही बात आपको माइंड में रखने हैं, ये पॉइंट आप माइंड में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहां पर सब ठीक था, लेकिन आपको छमाही संयोजित हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, अर्थात दो बार ब्याज काउंट होगा, तो टाइम जो मेरा है वो क्या हो जाएगा, 1 into 2, अर्थात अब क्या हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। लेकिन रेट मेरा क्या है, तो रेट मेरा हाफ हो जाएगा, अर्थात अगर ये 10% है तो 10/2 अर्थात 5% हो जाएगा, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये 5/5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब चलिए, अब हमें निकालना है क्या कि 2 वर्ष का 5% की दर से हमें 16,000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बोले 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, तो 2:1 होता है। अब ये सॉल्व करते हैं, 16,000 का 5/100 निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 16 × 5 = 80, बोलिए कितना हो गया आपका, 800 हो गया। अब देखिए, अब इस 800 का हम 5/100 निकालेंगे तो ये 00 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, गुना कर दीजिए 8 × 2 = 16 और 40, 1640 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1,25,000 रुपए का प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल है 1,25,000 रुपया का जो है वो 8% वार्षिक दर से 9 माह का रेट आपका क्या है, 8%, और टाइम क्या है आपका, तो 9 माह है, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, जबकि बोला जा रहा है कि यहां ब्याज क्या हो रहा है, तिमाही संयोजित हो रहा है, अर्थात क्वार्टरली संयोजित हो रहा है या त्रैमासिक संयोजित हो रहा है, तो उस केस में आपसे पूछा गया कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो अभी हमने समझाया कि जब भी तिमाही संयोजित होता है तो जो आपका टाइम है वो 4 गुना हो जाएगा, तो 9 × 4 = 36 माह, 36 माह का मतलब होता है 3 वर्ष, लेकिन जो आपका दर है, जो आपका रेट है वो 8/4 अर्थात 2% हो जाएगा, और 2% को हम लिख सकते हैं 2/100, 2% को क्या लिख सकते हैं, 2/100। अब वही बात हो गया कि रेट 2% और टाइम मेरा 3 वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, बोले 3 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो होता है 3:3:1। अब क्या करेंगे भाई, तो ये 1,25,000 का 2/100 करो, ये 00 का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 125 × 2, तो ये 250 हो जाएगा, इस पर 10 हो जाएगा, अर्थात 2500 हो जाएगा। वही अगर 2500 का हम करते हैं 2/100, तो 00 कैंसिल, 25 × 2 = 50 हो जाएगा, फिर 50 का यदि हम करते हैं 2/100, तो यहाँ 2/100 का मतलब 1/50, तो 50 का 1/50 क्या हो जाएगा, 1, अब यहाँ कर लीजिए 25 × 3 = 75, ये 7500 हो गया, 5 × 3 = 15, ये आपका 150 हो गया, 1 = 1, ये 1 हो गया, तो 1,5,6,7, 7,751 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 9,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर, 9,000 रुपए का प्रिंसिपल कितना है भाई, तो 9,000 रुपया है, और यहां पर रेट आपका क्या है, तो रेट आपका 10% है, और कह रहा है कि 2 वर्ष 4 माह, टाइम क्या है भाई, तो 2 वर्ष 4 माह का आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि यहां पर क्या हो रहा है भाई, तो यहां पर आपको वार्षिक संयोजित हो रहा है ब्याज, तो कोई बात नहीं, वार्षिक संयोजित हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस इतना बात देखिएगा कि 2 वर्ष 4 महीना को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 4/12, क्योंकि माह को हमने साल में बदला, तो यहां से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, अर्थात 2 पूर्णांक 1/3 वर्ष लिख सकते हैं क्या, बोले ये क्लियर है भाई, 2 पूर्णांक 1/3 वर्ष। अब देखो 2 पूर्णांक 1/3 वर्ष है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 2 वर्ष मेरे को कंप्लीट लेना है, 2 वर्ष मेरे को क्या करना है, कंप्लीट लेना है, लेकिन तीसरे वर्ष में मेरे को 1/3 लेना है, 2 वर्ष मेरे को कंप्लीट लेना है लेकिन तीसरे वर्ष में 1/3 लेना है, तो बोले 2 वर्ष कंप्लीट लेना है, तो 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1, क्या होता है, 2:1, लेकिन तीसरे वर्ष में हमें 1/3 लेना है, तो तीसरे वर्ष का रेशियो होता है 1:2:1, क्या होता है, 1:2:1, काम खत्म। बस ये याद रखना है कि इसमें मेरे को कितना लेना है भाई, तो इसमें मेरे को 1/3 लेना है और ये मेरे को कंप्लीट लेना है। तो चलिए, अगर 10% को बोला जाए तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 9,000 का 1/10 बोलिए क्या हो जाएगा, 900, फिर 900 का 1/10 क्या हो जाएगा, 90, फिर 90 का 1/10 क्या हो जाएगा, 9,
क्लियर है। अब हम गुना करते हैं क्योंकि ये कंप्लीट लेना है, तो 9 दूनी 18, यहां गुना करेंगे तो ये 1800 हो गया, क्लियर है भाई। और ये आपका 90 एकम 90, ये भी हमको लेना था, ये भी कंप्लीट हो गया मेरा। लेकिन गौर करिए, अब इसको गुना करिए तो 90 एकम 90, सॉरी 900 गुने 900, और ये हो गया 9 दूनी 18, तो ये 900 प्लस 180 और प्लस 9 एकम 9। अब इसे ऐड करेंगे तो ये हो गया 9, ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 10, ऐड करेंगे तो 1089, ये आपका हो जाएगा तीसरे वर्ष का ब्याज। लेकिन तीसरे वर्ष में मेरे को 1/3 लेना है, तो आप इसका 1/3 कर दीजिए, इसका 1/3 हमें लेना था तो हम इसका 1/3 कर देंगे, तो 3 से तितिरी का 9, छतरी 18, फिर तितिरी का 9, तो ये आपका हो जाएगा 369, तो 363 ऐड कर दीजिए, तो ये 3 हो गया, 9 6 15 की 5 हो गया, कैरी 1, 8 3 11 12 की 2 हो गया, और फिर कैरी कितना हो गया मेरा, तो 1 हो गया, तो ये 1 का 1 2 हो गया, अर्थात 2253 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। गौर करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ विशेष नहीं जानना है, बस दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का रेशियो याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन हो सेकेंडों में सॉल्व होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2000 क्या है, 80 है। देखिए रेट क्या है आपका, तो रेट आपका है 8%, टाइम आपका क्या है, तो टाइम आपका है 2 ईयर, और आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है आपका 2080 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में क्या है भाई, प्रिंसिपल गायब है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना, और जब तक आप प्रिंसिपल नहीं निकाल लेते तब तक आपसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो चलिए प्रिंसिपल पहले निकालते हैं, 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1। अब प्रिंसिपल हमें यहां मानना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे, बोली 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/25, तो देखिए कैसे प्रिंसिपल आप मानिएगा, बट्टा में क्या भाई 25 है, आप 25 चुपचाप लिख दीजिए, लेकिन समय कितना है आपका 2 बरस, तो आप पावर में 2 डाल दीजिए, कितना आ गया 625। अगर ये 3 बरस होता पावर में 3 डालते, 4 बरस होता पावर में 4 डालते, इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जब हम यहां पर निकालेंगे रेट से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए 625 का 2/25 करेंगे तो यहां से क्या होगा, 25 दूनी 50, ये हो गया आपका 50, 50 का 2/25 करेंगे तो 25 दूनी 50, 2 दूनी का 4, तो 50 दूनी क्या हो गया भाई 100, और 100 और 4 कितना हो गया 104, तो 104 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया जब प्रिंसिपल मेरा क्या था 625, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2080 है, था इसमें किससे गुना किया गया है 20 से, तो आप इसमें भी किससे गुना कर दीजिए तो 20 से, तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो 625 गुने 2 1250, अर्थात 12500 आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब भाई क्या निकालना है आपको, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सीधा बोलिए 12500 ये प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल परसेंटेज की भाषा में कितना होता है 100%, तो इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे 100 से। अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो रेट इनटू टाइम होता है, तो बोलिए रेट का वैल्यू कितना है, तो 8% है, और टाइम का वैल्यू कितना है 2, तो 8 दूनी 16%, यहाँ 16 से गुना कर दीजिए, ये कट गया, तो 25 से 16 बार में जाएगा 25 125 16, आपका आंसर आ जाएगा कितना भाई, तो 2000 रुपया, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा 2000। क्वेश्चन कह रहा है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद दे 14580 का वर्तमान मूल्य क्या होगा। ध्यान देंगे रेट आपका कितना है 8% है, टाइम आपका क्या है 2 ईयर है, और दे राशि अर्थात अमाउंट कितना है आपका, तो अमाउंट आपको दे रखा है 14580, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बोलिए प्रिंसिपल क्या होगा, फिर वही क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन जिस तरह के थे। तो चलिए देखा जाए यहां पर, यहां पर जब हम बात करेंगे तो हमें प्रिंसिपल क्या करना होगा, मानना होगा,
तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। क्या होता है? 2/25। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ 25 ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर है 25 से, और टाइम मेरा क्या है 2 है, तो 2 यहाँ करेंगे तो 25 का पावर 2 क्या हो जाएगा भाई 625। ये प्रिंसिपल हो गया, 2 ईयर है इसलिए रेशियो लेंगे 2:1। यहाँ करेंगे 625 का 2/25 तो ये हो जाएगा 50, और फिर 50 का 2/25 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4। तो ये 50 × 2 = 100 और 4 = 104 हो गया। तो 104 मेरा क्या हुआ, गौर करिएगा, 104 मेरा क्या हुआ, तो 104 मेरा हुआ यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। 104 मेरा क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम अमाउंट का बात करें तो 625 और 104 मिलके, 625 प्लस 104 मिलके हो जाएगा आपका कितना 729। क्या हो जाएगा 729। तो 729 मेरा अमाउंट आया जब हमने कितना माना, तो 625। 729 ये अमाउंट आया जब हमने प्रिंसिपल कितना माना है, 625। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भाई अमाउंट है कितना, तो अमाउंट आपका है 14,580। अर्थात इसमें जब हम 20 से गुना करेंगे तो 14,580 जाएगा, तो हम इसमें भी किससे गुना कर लेंगे, 20 से गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 कितना 500। अर्थात जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो होगा 12,500।